कवि की पाठ 12 कैदी और कोकिला में से प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि कविता में कैदी और कोकिला के बारे में बताया गया कि कैदी ब्रिटिश समय की राज्य में कैदी रहता है वो, और वो कोकिला से बात करता है कि तुमको बंद में कैसा लगता है, क्योंकि वो भी परतंत्र नहीं है, इसलिए वह क्वेश्चन पूछता है। अब आज हम इसी काव्य पाठ से प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न में रचना अभिव्यक्ति में है प्रश्न कि कवि जेल के आसपास पक्षियों का चहकना सुनता है होगा, और क्या कहता होगा, या और उसने कोकिल से क्या क्यों बात की है। मैंने कोकिल से उसने कहा है ना बार बार कोकिल बोलो तो, कविता में क्या बोला उसने कैदी ने, कोकिल बोलो तो, हर बात में वह बोलता है कोकिल से कोकिल बोलो तो। फिर कवि भावुक है, हृदय कवि का हृदय क्या है, भावुक है, और कोकिल का स्वर हृदय में भावानुभूति पैदा करता है, इसलिए कवि ने कोकिल की ही बात की है, और कोकिल अपेक्षाकृत अन्य पक्षियों से समझदार भी है। वह बात को समझकर जन जागरण में सहयोग करती है, और इसलिए कवि ने कोकिल को ही चुना, क्योंकि वह कोकिल क्या समझदार होती है। फिर प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उत्तर है, स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन तथा उनके काले कानूनों का, अन्याय अत्याचारी चारों आदि का विरोध किया बताया गया है। अन्याय अत्याचार आदि का विरोध करते हैं, जिन्हें हम काले कानून अन्याय अत्याचार मानते हैं, और अधिकारियों के लिए वे कानून थे, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी मानते थे उनकी दृष्टि में वे कानून का विरोध करने वाले अपराधी हैं, इसलिए उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। यहाँ तो किसका बताया, कैदी का। स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन के समय का यह वर्णन है कि कैदी और कोकिला की चर्चा, उसकी ये रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न है। अब हम आगे और भी प्रश्न देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर क्या है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता, अंदेशा यानी क्या पता, अंदेशा होना क्या पता चलता है, अंदेशा यानी पता लगना, पता लगना है ना, पहले से पता लगना। अर्धरात्रि को कोयल की चीख, कवि को अंदेशा है कि वह अंधेरी रात में सोते हुए बोलकर, क्या है ये, सोते हुए बोलकर, देख कर चीख कर किसी विद्रोह के बीच बोल रही है, और इसको ब्रिटिश शासन की क्रूरताओं का पता लगता है, इसलिए उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई है। चीख कर विद्रोह करना है ने? लड़ाई करना, विद्रोह करना, विद्रोह यानी लड़ाई करना, लड़ाई करना। फिर क्रूरता, क्रूरता यानी अत्याचार, क्रूर, क्रूरता अत्याचार, कठिन का कठोर अत्याचार, क्रूरता। फिर कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रही है, ईर्ष्या का उत्तर, ईर्ष्या यानी जलन की भावना, ईर्ष्या क्या है यहाँ, जलन की भावना, भावना क्यों हो रही। कवि देख रहा है कि कोयल हरी भरी डालियों पर रहती है, और मैं
कभी देख रहा है कि कोयल हरी हरी डाली में बैठती रहती है, और ये मैं तो काली कोठरी में बंद हूँ, सारे आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है, और मेरी दुनिया जेल की 10 फुट की कोठरी मेरी सीमित है। कोठरी कोठरी यानी कमरा, जेल की कोठरी। कोयल के मधुर संगीत को वह वाहवाही मिलती है, और कैदी कविता तो दूर रो भी नहीं सकता। कविता तो दूर रही लेकिन वह रो भी नहीं सकता, और विषमता देखकर ही कवि कोयल से ईर्ष्या हो रही करने लगता है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल की गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? और कोयल जो कोयल मृदुल वैभव की रखवाली है करती है, कवि की स्मृति पटल पर कोयल की मीठी सरस्वत की मधुर स्मृतियां अंकित है, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। वे देखते हैं कि वह इस तरह चीख कर पागल होकर अपने मधुर गीतों वाले स्वभाव को नष्ट करने वाली नष्ट करने में तुली है, चीख कर रोकर बताकर, है ना, इससे कभी दुखी हो रहे हैं। अब प्रश्न हथकड़ियों को कहना क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि साज सज्जा और आकर्षण के लिए पहना जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा उनका आकर्षण हथकड़ियां है, वे इसी में शोभा पाते हैं, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। गहनों से क्या होती है? जैसे हम पहनते हैं नथनी, हार, ये सब क्या है? गहना है। यहाँ पर हथकड़ी को ही गहना माना गया है। तो इन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साज सज्जा उनका आकर्षण हथकड़ियां बनी हुई है। किसके शासन में? ब्रिटिश शासन के काल में, इसलिए हथकड़ियों को ही गहना कहा गया है। बच्चों कोयल का अब है प्रश्न, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। आली शब्द आया है ना बार बार, काली तू, आली तू, कोठरी काली, है ना, हथकड़ी काली, कमरा काला, ये सब बताया है ना, कंबल काला, तो इसका अर्थ क्या बताया है? कालापन दुख उदासी और दुर्दिन बुरी नियत का प्रतीक होता है, क्योंकि काले रंग का है ना। यहाँ काली कोयल की बुरी नियत, काली रात्रि की अदृश्यता की स्थिति में बुरी नियत वाली ब्रिटिश राज के बुरे कार्य देश में फैली हुई दुखद लहर है। भविष्य की कल्पना भी निराशाजनक है, और जेल की काली कोठरी को भी कष्ट देती है। वहां मिलने वाला कंबल भी पीड़ा गायक है, और हाथों में पड़ी हथकड़ियां भी कष्टदायक होती हैं। इस तरह यहाँ भी काली शब्द बदनीयति, अंधेरे, बुरे दिन, निराशा, दुख आदि को चमत्कारी रूप में व्यक्त किया गया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। पिछले उसमें हमने बोला कि काव्य सौंदर्य कैसे स्पष्ट कर दे। काव्य सौंदर्य का अर्थ है किसी कविता की एक लाइन ले ली जाती है और उसका काव्य सौंदर्य उसके बारे में बताया जाता है कि इस पंक्ति में क्या वर्णन है बच्चों, क्या दिया गया है या किसके बारे में बताया गया है। जैसे दिया है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीपकी। इस पंक्ति में काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि इस पंक्ति में भयंकरता को व्यक्त किया गया है। दावानल वन में लगने वाली आग को कहते हैं, और जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उसमें नष्ट हो जाते हैं। जैसे दावानल जंगल में फैलता है, वैसे ही ब्रिटिश शासन के अन्याय अत्याचारों से भारत की जनता त्रस्त है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, यह सब लिखा जाता है काहे में? काव्य सौंदर्य में। किसी भी कविता की काव्य सौंदर्यता लिखनी, जैसे दो लाइनें देख ली जाती हैं। पिछले असाइनमेंट परीक्षा में हमने अभी दिया है, जैसे